स्टूडेंट्स कैसे कैसे हो? हमारा वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग नॉर्थ ईस्ट गेम खेलने गया था इम्फाल पे, और काफ़ी टीम लोग काफ़ी अच्छा बेहतर परफॉर्म किया हम लोग वहाँ पे। और हम लोग यहाँ से 27th को निकला था, फिर वहाँ पे हम लोग 28th से हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ। 28th से 30 तक हमारा टीम चैम्पियनशिप रहा। हम लोग वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया सब लोग ने। हम लोग वहाँ पे सिल्वर लाया हम लोग पूरा टीम। और फिर 1 तारीख से इंडिविजुअल चालू हुआ, उसमें भी काफ़ी सब लोग ने, पूरा टीम ने सब अच्छे से परफॉर्म किया वहाँ पे। और फिर हम लोग वहाँ से 24th को निकला, वहाँ पे यहाँ आया। फिर हमें हमारा आजबा ने हम लोग आज फेलिसिटेट किया, काफ़ी अच्छा लगा इस बारे में। और हम लोग बहुत हैप्पी इस चीज़ में कि हम लोग अपना आजबा इतना अटेंशन देता है कि हर प्लेयर को जाके फेलिसिटेट किया। आज हम लोग बहुत खुशी से यहाँ इन लोगों को फेलिसिटेशन प्रोग्राम कर रहा है, क्योंकि ये स्पेशल टूर्नामेंट पार्टिसिपेशन करके आया है, पार्टिसिपेट करके, जहाँ पे आपका सिल्वर मेडल और टीम चैम्पियनशिप, मिक्स टीम चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है, और इंडिविजुअल में भी 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीता है। तो मैं इसलिए स्पेशल टूर्नामेंट बुलाया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्पेशल और हिस्टोरिक ओकेजन को मानते हुए सेलिब्रेशन होते हुए अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव इनका नाम पे सेलिब्रेशन किया गया है। तो हमारा स्टेट से बैडमिंटन इवेंट में यही लोग को सिलेक्शन ट्रेल में, स्टेट का सिलेक्शन टीम यही लोग था, ये लोग रिप्रेजेंट कर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके आया और रिजल्ट लेकर आया, इसलिए हम लोग फेलिसिटेशन प्रोग्राम दे रहा है। थैंक यू वेरी मच।